हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ माउनो की तरफ से AU-UL20 USB कॉलर माइक का। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में मिलता है, तो करते हैं इसकी अनरैपिंग। बॉक्स ओवरव्यू कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। फ्रंट पर कंपनी की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर AU-UL20 मेंशन्ड है। राइट साइड पर कुछ हाईलाइट्स हैं जैसे USB पोर्ट, कंप्यूटर सपोर्ट, बिल्ट इन साउंड चिप। बैक साइड पर आपको डिवाइस से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाती हैं। बॉक्स पर जो प्राइस मेंशन्ड है वो है 2500 रुपीज का, लेकिन ये आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएगा, वो आपको मैं वीडियो के एंड तक बता दूंगा। लेफ्ट साइड पर भी यहाँ पे कुछ की हाईलाइटेड फीचर्स हैं जैसे 24 बिट 2M ऑडियो केबल और मेटल केस। कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे एक वेलकम कार्ड है और एक यूजर मैनुअल है जिसमें स्पेसिफिकेशंस हैं और एक थैंक यू कार्ड, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। यहाँ पे आपको एक पाउच मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे। पाउच के अंदर आपको माउनो USB कॉलर माइक मिलता है और काफी लंबा केबल मिलता है यहाँ पे आपको, और USB पोर्ट विद मेटल केस डिजाइन, और 3.5mm जैक आउटपुट मिल जाता है, और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे माइक और हेडफोन सिंबल दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक विंड मफ मिलता है जिससे काफी हद तक नॉइस रिड्यूस हो जाती है, और एक मेटल क्लिप मिलती है जिसको यूज करके आप कॉलर पर लगा सकते हैं। अब बात करें माइक्रोफोन की, तो ये ओमनी डायरेक्शनल माइक है जो चारों तरफ से ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, तो कुछ इस तरह से आप विंड मफ को लगा सकते हैं जो काफी नॉइस रिड्यूस करता है, और मेटल क्लिप को कुछ इस तरह से लगा सकते हैं, आप कॉलर पर लगा के यूज कर सकते हैं। बात करें ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे मैंने ऑडासिटी सॉफ्टवेयर पर इसका टेस्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है माउनो का AU-UL20 USB माइक्रोफोन, तो कुछ इस तरह की वॉल्यूम आपको साउंड सुनाने को मिलती है, तो आप सुन सकते हैं डिफरेंस क्या है। और आप, मैंने इसका टेस्ट ऑडासिटी में किया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं क्या रेंजेज है, और आप इसकी साउंड क्वालिटी देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी क्लीन है, क्रिस्प है, और यहाँ पे आपको होप साउंड फील नहीं होने देती। तो अब मैं इसका टेस्ट करने वाला हूँ नॉर्मल साउंड से, जो कि सस्ते वाला होता है। ये जो माइक्रोफोन है मैंने ये लोकल मार्केट से लिया है, तो आप इसकी भी ऑडियो क्वालिटी सुन सकते हैं और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है नॉर्मल मार्केट से, जो मैंने परचेज किया हुआ माइक्रोफोन है उससे है, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें पिच काफ़ी कम है इस माइक की। बात करें कनेक्टिविटी की, तो लैपटॉप पीसी के अलावा आप इसे OTG के थ्रू फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने टेस्ट किया है और ये वर्किंग है, तो कुछ इस तरह से OTG कनेक्टर से आप USB इंटरफेस से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन से भी इजीली वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें इस हेडफोन 3.5mm जैक की, तो आप इजीली इससे अपने हेडफोन को कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते हैं या फिर ऑफिस मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी आउटर नॉइस। बात करें माइक की बिल्ट इन डिजाइन क्वालिटी की, तो यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल कंडक्शन लेबल क्लिप के साथ माइक मिल जाता है। इसमें आपको बिट डेप्थ और सैंपल रेट सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। क्लियर साउंड क्वालिटी के साथ आपको प्रोफेशनल साउंड चिप सेट भी मिल जाता है, इसको ये एलॉय मेटल केस प्रोटेक्ट करता है। तो आप भी इस मल्टीपर्पज माइक को व्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑफिस मीटिंग्स या पॉडकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 650 रुपीज़ में मिल जाएगा, और 3.5mm जैक वाला माइक आपको 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आप इन बजट माइक ढूंढ रहे हैं तो ये परफेक्ट माइक है एज अ बिगिनर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।